हेलो गाइस, वेलकम टू द एजीबेंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल के सेकंड ट्रेलर के बारे में। देन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जो हम मार्वल के लिए एक मैसेज वीडियो बना रहे थे ट्रेलर के लिए, वो अब कैंसिल हो चुका है क्योंकि आज फाइनली ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। तो बात करते हैं पहले कुछ अपडेट के बारे में। तो फाइनली कैप्टन मार्वल 20 मिनट के लिए कन्फर्म हो गई है सिर्फ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर सेकंड पार्ट के लिए, जो कि रूसो ब्रदर ने कन्फर्म करा है। और वो 20 मिनट आप थिएटर की सीट तोड़ दोगे। उसके बाद सिविल वॉर का फ्लाइट वाला सीन, यानी कि वो एयरपोर्ट का सीन कन्फर्म हो चुका है, जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एंडमैन द बास का एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से सीधा डायरेक्टली कनेक्ट होगा, बट वो हमें पता चलेगा एंडमैन द बास मूवी देखकर। इसका मतलब हमें एंडमैन का शायद मुश्किल ही कैमियो दिखेगा। उसके बाद हॉकाई क्यों नहीं रिवील्ड हो रहा है एक्चुअल में, तो प्रॉब्लम ये है कि रूसो ब्रदर ने ये कन्फर्म करा है कि हॉकाई का एक सीक्रेट जर्नी होगी, यानी कि वो किसी जर्नी पर निकलेगा। उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सबसे मजबूत टीम होगी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जो कि रूसो ब्रदर ने कन्फर्म कर चुके हैं, तो ये काफी बड़ी बात है। और देन उसके बाद एक इमोशनल सीन होने वाला है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में, जो कि आपकी आंखों में आंसू ला देगा, जो कि मार्वल के बिगेस्ट फैन है, जो कि मार्वल से दिल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद डिवांडा ने कैप्टन मार्वल को ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, तो मुझे लगता है किसी एक्टर को इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। फाइनली हर एक एक्टर फेमस ही होता है मार्वल की मूवी करने के बाद। और उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 फरवरी से स्टार्ट होगी अगले साल। जी हाँ, तो लगता है कि शायद 2020 में अब ये मूवी रिलीज होगी। उसके बाद बात करते हैं एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की टाइमिंग। तो फाइनली 2 घंटे बाद ये ट्रेलर लॉन्च हो जाएगा, यानी कि हमें ये ट्रेलर 7 या 7:30 तक हमें ये देखने को मिल जाएगा, और फाइनली उससे पहले भी शायद देखने को मिल सकता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर हैंड डाल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।